आज से हम सिलाई क्लासेस की शुरुआत करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। सिलाई सीखने के लिए हमें कुछ सामानों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इन सामानों के बारे में जान लें और साथ ही इसके यूज के बारे में भी जान लें, जिससे आगे चलकर वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इंच टेप, इसको मेज़र टेप या नाप लेने वाला फीता भी कहते हैं। इसके सिरे पर पीतल की पत्ती लगी होती है। इंच टेप 5 फीट यानी 60 इंच लंबा होता है, सेंटीमीटर में या 152 सेंटीमीटर का होता है। इसके एक तरफ इंच का और दूसरी तरफ सेंटीमीटर का निशान होता है और इसके दोनों तरफ कलर भी अलग अलग होनी चाहिए। इंच टेप खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि इंच और सेंटीमीटर का नंबर सही और स्पष्ट लिखा हो। इस चौक को दर्जी की चौक भी कहते हैं, यह 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। इसकी एक साइड पतली होती है और यह समतल होता है। निशान लगाने, ड्राफ्ट बनाने के लिए पेंसिल का यूज किया जाता है, जिससे गलत होने पर रबड़ से आसानी से मिटाया जा सके और सही किया जा सके। नोट्स बनाने के लिए पेन का यूज़ करें। आप चाहो तो कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। सुई 2 तरह की होती है, एक तो ये जो मशीन में लगाई जाती है और दूसरी ये सुई है। इसमें ये एक बड़ी सुई है जिसका इस्तेमाल डोरी को पलटने में किया जाता है, और यह छोटी सुई तुरपाई करने, बटन लगाने और कच्ची सिलाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलाई में छोटी सुई का यूज़ ज़्यादा होता है। सिलाई सीखने के लिए पहले पुराने न्यूज़पेपर पर निशान लगाकर उसकी कटिंग करना सीखा जाता है। फिर जब परफेक्ट कटिंग आ जाती है तब कपड़े पर कटिंग करना बताया जाता है। नोट्स बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह की कॉपी भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह की डायरी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैंची हमेशा तेज धार वाली और नोकदार होनी चाहिए, इससे कटिंग सीधी, सही और स्पष्ट होती है। ये थ्रेड कटर धागा काटने के काम आता है। इसका यूज सिलाई खोलने के लिए किया जाता है। आजकल मार्केट में कई तरह के धागे मिलते हैं। अलग अलग कपड़े पर अलग अलग धागे का इस्तेमाल किया जाता है। धागा लेते वक्त यह ध्यान रखें कि धागा बारीक और मजबूत हो। मोटे और कच्चे धागे से की गई सिलाई ना तो देखने में अच्छी लगती है और ना ही टिकाऊ होती है। इस तरह का हिजाब पिन और सेफ्टी पिन भी ले लें, यह बहुत काम आता है। और सबसे ज़रूरी सिलाई मशीन है। मशीन की सफाई और मशीन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा मशीन का तेल, मशीन की सफाई के लिए पेचकस, सिलाई सीखने के लिए शुरुआत के लिए इतना ज़रूरी सामान था। इसके अलावा भी बहुत से सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो हर क्लास के लास्ट में मैं अपने नोट्स की पिक डाल दूँगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। आप हर क्लास की नोट्स बनाते रहें और जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ उस तरह से प्रैक्टिस भी करते रहें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं आपको दोबारा भी समझा दूँगी। आगे की क्लासेस अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।